फिर से स्वागत है आप सभी का फास्टर प्लस न्यूज में। और आप सभी लोगों को पता है कि हम विधानसभा का चुनाव का जो है कवरेज कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है। इसी क्रम में जो है आज हम मौजूद हैं जनपद गोरखपुर के पिपराइज विधानसभा क्षेत्र के, ये मुड़ेरी ग्राम सभा है और मुड़ेरी चौराहे पे एक चाय की दुकान पे हम बैठे हैं और चाय पी के चाचा भी चाय पी रहे थे, तो बगल में ही चाचा जी लोगों से भी बात हो जाएगी कि चाचा जी लोग किसकी सरकार बनाने वाले हैं, क्या महंगाई है कि नहीं है, और जो है कि शिक्षा का कितना विकास हुआ है, रोड का कितना विकास हुआ है, इन सभी मुद्दाओं पे बात होगी। क्या नाम है चाचा आपका? वीरेंद्र प्रजापति नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, क्या लगता है कि महंगाई है कि महंगाई तो रहेगा ही, महंगाई तो चलता ही रहेगा। सरकार आती है जाती है, रहेगा सवाल कि इस सरकार जो भी है आज वर्तमान में तो कुछ काम तो उसका अच्छा ही है। हाँ, बहुत बेहतर है, लेकिन जो शिक्षा के मामले में जो इनका गवर्नमेंट का इनका है या चाहे मोदी का है, इस पर जो है कि वो लोग थोड़ा सा मुश्किल कर दिया बच्चों को, जो IIT वगैरह पढ़ रहे हैं बच्चे सब स्कूल में बैठे हैं। सिर्फ विपक्ष के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि इनके आने से महंगाई हो गया। नहीं, गैस जो है 500 था 1000 रुपया हो गया। वो 1000 रुपया तो होगा ना, घर घर में गैस है तो गैस, घर में नहीं बना रहे हैं गैस, महंगाई तो होगा ना, घर में नहीं बना रहे, बाहर से खरीद रहे हैं तो महंगा नहीं होगा। क्या लगता है योगी जी आएंगे? आएंगे आएंगे, एकदम आएंगे हम। आइए इसी के साथ जो है एक चाचा जी और हैं, चाचा जी से बात करेंगे। क्या नाम होगा चाचा आपका? नंदलाल निषाद। अच्छा, नंदलाल निषाद जी कहाँ से रहने वाले हैं? सरंडा, मुड़ेरी सरंडा एक ही है। क्या लगता है कि महंगाई है? महंगाई एक और से है तो एक और से कुछ दे भेज रहे हैं, ऐसा तो नहीं। क्या दे रहे हैं? कुछ भी जो खाने पीने का सामान कुछ तो दे रहे हैं, और कोई सरकार इतना तरह से क्या किया था? और रोड का कोई भी अपने जेब से थोड़ी नहीं देगा। क्या लगता है कि भाजपा जो सरकार है ये ठीक काम कर रही है? ठीक भी है और सही भी है। कोई खराब तो ये पिपराइज विधानसभा से क्या लग रहा है कि भाजपा जीतेगी क्या? फिर महेंद्रपाल सिंह जो है इस समय चुनाव आपके भारतीय जनता पार्टी को, उन्हीं को टिकट मिला है, तो उनका काम ठीक था इसके पहले, वही विधायक थे ना? ठीक भी है, कोई खराब भी नहीं है। अगर किसी बनाते भी नहीं है तो बिगाड़ते भी नहीं। सपा नहीं ठीक है अपने जगह पर तो भी ठीक है। तो आप किसको वोट करेंगे, क्या लग रहा है? वो तो समय बताएगी। समय बताएगा। चाचा बड़े होशियार है, ये बताने वाले नहीं है कि किसको वोट करेंगे, क्योंकि वो समय बताएगा। समय पे आप जवाब देने वाले हैं लोग। मतदान है, मतदान है चाचा की चालाकी देख लीजिए आप लोग, मतदान है। फिर भी हम जानना चाहेंगे कि सपा का काम बढ़िया हुआ है? सपा के लोग बढ़िया काम करते हैं? ठीक है, हमारे कहने से थोड़े खराब होंगे कोई आदमी। भाजपा में लोग कह रहे हैं जो लोग भी ये भाजपाई हैं वो गुंडा है। गुंडा के साथ गुंडा ही ठीक रहता है। बड़ा तेज जवाब दे रहे हैं आप, क्या करते हैं चाचा? हम तो लिबराई करते हैं। फिर भी इतना तेज जवाब देते हैं भाई, कहना पड़ेगा। कहाँ कराने वाले हैं? संडा। सरंडा। चलिए यहाँ पे बातचीत हुआ चाचा जी लोगों से, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें फास्टर प्लस न्यूज।